जितने भी चीफ जस्टिस बन रहे हैं वो एक ही बात बोलते हैं, पता है मेरा बाप कौन है। कोई यहाँ ओबीसी का व्यक्ति मना कर रहा है क्या कि जातिवार की जनगणना ना कराओ? कोई बहुजन समाज का व्यक्ति कहता है जातिवार जनगणना मत कराइए? कुल मिलाकर के कोर्ट में हुआ क्या? सुप्रीम कोर्ट में जातिवादी, वंशवादी, परिवारवादी न्यायपालिका के 5 लोगों ने अपनी जाति, वंश और परिवार को इस्टेब्लिश करने के लिए निर्णय सुना दिया। हुआ ये, और 3-2 आप ये चुनाव हार गए। जब उस डिसीजन को आप करीब से पढ़ते हैं तो समझ में आता है कि 2 लोगों को महिमा मंडित और स्थापित करने के लिए कहा जा रहा है कि 2 लोग उस फैसले के खिलाफ में थे। जब उस फैसले को ठीक से पढ़ते हैं तो समझ में ये आता है कि मूल जो बात थी उस फैसले में वो ये कि आर्थिक आधार पर आरक्षण देने से संविधान की मूल भावना का, प्रस्तावना का, उद्देशिका का उल्लंघन होता है या नहीं, इस बात में 5 लोग एकमत थे। इस गौर से समझिएगा इस बात को, जो मूल बात थी उस फैसले की, उन 3 बात कि क्या संविधान का उल्लंघन हो रहा है या नहीं आर्थिक आधार पर देने पर, इसमें 5 लोग एकमत थे। विवाद किस बात पर था कि 50% का दायरा कम किया जाए या नहीं, बढ़ाया जाए या नहीं, इस बात पर विवाद था। यानी कि एक ही जाति वर्ग से आए हुए लोग अपने परिवार के लोगों को इस्टेब्लिश करने के लिए, कोलोजियम सिस्टम का जब विरोध होता है, एक पत्रकार की हैसियत से जो समझता हूँ निश्चित तौर पर विरोध होना चाहिए। मैं भी चाहता हूं दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसी जगह पर इस शानदार कैंपस में खड़े होकर के कि योग्यता की बात करूं, लेकिन ये कैसी योग्यता है जो अपने आप में ही चुन लेते हो अपने परिवार के लोगों से, अपने वंश के लोगों से? मैं कहता हूं कि योग्यता की बात करता हूं, योग्यता की हिम्मत तुम में नहीं है। अगर योग्यता से चयन करने की हिम्मत है तो करवाओ ना इलेक्शन, सिलेक्शन जैसे UPSC में होता है। कुछ नॉर्म्स आपको बदलने हैं तो बदल सकते हैं कि 5 का प्रैक्टिस करने वाला, 10 का प्रैक्टिस करने वाला इस एग्जाम में बैठ सकता है, लेकिन एग्जाम से घबराते क्यों हो? अगर इतनी योग्यता है तुम में जन्म पर आधारित, तो घबराते क्यों हो कि विभिन्न वर्गों से लोग आएँ? और जैसे सोचिए, इस देश में जो लोकल जुडिशरी सिस्टम है जिसमें CGM बनते हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनते हैं, वहाँ पर सिलेक्शन काबिलियत के आधार पर होता है, परीक्षा के आधार पर होता है, लेकिन वो माननीय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय जहाँ पर बैठ करके देश की नीति का और नियत का फैसला होता है, वहाँ पर सीधे चुन लिए जाते हैं। जितने भी चीफ जस्टिस बन रहे हैं वो एक ही बात बोलते हैं, पता है मेरा बाप कौन है। वहाँ इसी हिसाब से तय हो रहे हैं, मेरे बाबा ये थे, मेरे पिता ये थे और अब मैं ये हूँ। इसलिए जब इन घरों में बच्चा पैदा होता है, इन तथाकथित माननीयों के घरों में, जो मोरनी के आंसू से बच्चा पैदा करवा देते हैं, उन माननीयों के घरों में जब बच्चा पैदा होता है तो नर्स कहती है बधाई हो, जस्टिस पैदा हुआ है। इसलिए इस दौर में EWS की चर्चा तो करनी है, लेकिन साथ में उस मूल बात पर चर्चा करनी जरूरी है कि ऐसा हुआ क्यों। ऐसा हुआ इसलिए क्योंकि इस सम्मानित धरती के मिलॉर्ड्स को हमने चुनौती नहीं दी। हमने ये मान लिया कि मिलॉर्ड्स ने जो निर्णय दे दिया है वो निर्णय पर कोई चुनौती नहीं दे सकता। इसलिए ये समय है कि इस झूठी पवित्रता को भंग करना ही पड़ेगा, सवाल सबको पूछना ही पड़ेगा कि ये मिलॉर्ड्स, ये कैसा निर्णय है? कोर्ट मुझे याद नहीं आ रही है, इस धरती की एक महिला मिलॉर्ड्स ने डिसीजन दिया कि एक रेपिस्ट को कम सजा इसलिए दी जाए कि उसने रेप करने वाली बच्ची को मारा नहीं, छोड़ दिया, इसलिए उसकी सजा कम कर दी जाए। कोई कानून नहीं, कोई नियम नहीं, मैंने जो व्याख्या कर दी वही व्याख्या इस देश में चलेगी। अब एक इसमें तरीका यह है कि हम मिलॉर्ड्स को जिम्मेदार ठहराएं, एक तरीका यह है कि सरकार को जिम्मेदार ठहराएं, एक तरीका यह है कि खुद से सवाल करें। खुद से मेरा तरीका यह है कि मैं खुद से सवाल करता हूं कि हमने इस सिस्टम को कितना चुनौती दी, हमने अपने घर परिवारों से कितने अच्छे एडवोकेट्स तैयार किए, क्या हमने ब्यूरोक्रेट्स को और नेताओं को आवश्यकता से अधिक सम्मान नहीं दिया, क्या हमने उनको 10-10, 20-20 किलोमीटर दूर से रिसीव नहीं किया? कब से ऐसा होने लगा इन सामाजिक मंचों पर जब प्रोफेसर्स, पत्रकार या एडवोकेट्स बुलाए जाने लगे? कुछ ही सालों की बात तो है।
तो जो कुछ सालों में हो सकता था इस वर्ग से, जिसको आप कहते हैं कि लेखक चिंतक और विचारक वाला वर्ग है, उस वर्ग से जो हो सकता था वो किया जा रहा है। सब लोग सोच करके देखें कि उस व्यवस्था के लिए जिम्मेदार कौन है जिसमें सिर्फ आईएएस और नेताओं को महत्व दिया जाता था। एक और दूसरी दिक्कत है, इस दौर में लेटरल एंट्री चल कैसे जाती है, क्योंकि सरकारों को या कोर्ट्स को बहुत अच्छी तरह से पता है कि जब भी कोई डिसीजन आएगा, जब भी कोई रिजल्ट आएगा, तो हर जाति का व्यक्ति पहले लिस्ट बनाएगा कि मेरी जाति में से कितने सिलेक्शन हुए हैं। तो जब आप जातिवार लिस्ट बनाते हैं अपने सिलेक्शन की, तो वो लिस्ट छोड़ देते हैं कि कितने नहीं हुए हैं। आपके अपने भाई लोग, मैं सवर्णों की भी बात करता हूं, जहां पर अन्याय होता है वहां पर भुक्तता सवर्ण भी है। जब किसी व्यक्ति का भ्रष्टाचार से सिलेक्शन होता है, तो वहां जिसका नहीं हुआ होता है वही असली हकदार होता है, चाहे सवर्ण हो और चाहे इनके शब्दों में अवर्ण हो, कोई हो, चाहे ओबीसी एससी एसटी वर्ग का हो या जनरल वर्ग का हो। उत्तर प्रदेश से मैं आता हूं, वहां विभिन्न विश्वविद्यालय कैंपस पर लगातार निगाह रखता हूं, तमाम प्रोफेसर मेरे संपर्क में हैं। वहां जब भी अन्याय होता है तो जिसका सिलेक्शन नहीं होता है वो इन चारों ही वर्गों से होते हैं। ऐसा नहीं है कि इस अन्याय में, इस भ्रष्टाचार में केवल ओबीसी एससी एसटी नुकसान उठा रहा है, वो भी उठा रहे हैं, लेकिन बोलेंगे नहीं क्योंकि उनका कोई ना कोई भाई आ जा रहा है गेटिंग सेटिंग के लिए। इसलिए हम सब की एक जिम्मेदारी है, और लोगों को बोलना है, मैं तो सर के साथ चला आया रतनलाल सर के साथ, उन्होंने कहा कि बात रखनी है, केवल एक अनुरोध करता हूं कि हम सब लोग जो अब सो कॉल्ड बहुत जागरूक हो गए हैं, एक्टिविस्ट हो गए हैं, उन सब से कहना चाहता हूं कि अपने अपने जाति के खांचे से, पैमाने से बाहर निकलो। बहुत अच्छी तरीके से सरकारों को और कोर्ट को पता है कि प्रोफेसर साहब का नुकसान करना है तो इन्हीं की जात वाली दूसरे को लाभ दे दो, इनका गला भी उतार दो, लोग उनको माला पहनाने में व्यस्त हो जाएंगे, भूल जाएंगे कि इनके साथ क्या हुआ। जब भी वो कोई अन्याय करते हैं तो उसके साथ में किसी न किसी को कोई रेवड़ी जरूर पकड़ाते हैं, और हम उन रेवड़ियों के चक्कर में पड़ के लिस्ट बनाते हैं हमारी जात के कितने आईएएस हो गए, हमारी जाति के कितने सिलेक्शन हो गए, लेटरल एंट्री में कितने खत्म हो गए, ये कोई मतलब नहीं। अभी उत्तर प्रदेश में यूपी पीसीएस का रिजल्ट आया, उस रिजल्ट में सबका फोकस इतना था कि हमारी जाति वाले कितने हो गए, इनमें हम कितनों को 50 लाख और 1 करोड़ में खरीद करके शादियां करवा सकते हैं। ये फोकस किसी का नहीं था कि कितने पद छुपा लिए गए, कितने और ओबीसी एससी वर्ग के लोग नहीं हो पाए, इसका इस पर फोकस किसी का नहीं रहता है। ईडब्ल्यूएस पर चर्चा हो रही थी, मैं उसी चर्चा पर लौट करके आता हूं कि विडंबना देखिए इस देश में, ओबीसी को कुछ मांगना होगा तो आपको लड़ना पड़ेगा, लाठी खानी पड़ेगी, संघर्ष करना पड़ेगा, देश विरोधी होने का आरोप झेलना पड़ेगा, कंप्रोमाइज करना पड़ेगा अपने संसाधनों से, अपने घर परिवार से। लेकिन और हाँ, जब आपको मिल भी जाएगा, मान लीजिए मंडल आयोग की सिफारिशें उन्होंने कह दिया कि 10 साल बाद कि चलिए लागू करते हैं 90 में, तो भी 2 साल इंतजार करना पड़ेगा माननीय कोर्ट का, कि माननीय कोर्ट कहेगी तब हमें कुछ मिलेगा। लेकिन यहाँ आप एक खास जाति वर्ग में जन्म लेते हैं जिसको मैं जन्मजात श्रेष्ठता कहता हूँ, वो अर्जित की हुई नहीं है, उसमें आपको कुछ विशेष नहीं करना पड़ा, आपने अर्जित नहीं की है, जन्म के आधार पर मिल गई है। अर्जित श्रेष्ठता किसी भी जाति में हो मैं उसका सम्मान करता हूं, लेकिन जन्म आधारित श्रेष्ठता का मैं खंडन करता हूं, कतई नहीं पसंद करता। तो जिनको जन्म से आधारित वो श्रेष्ठता मिली, उनको कुछ भी प्रूफ नहीं करना है, उन्होंने उसमें जन्म लिया और उसी के आधार पर ये तय हो गया कि अब आगे क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या बन सकते हैं। इसलिए ये ईडब्ल्यूएस के सिस्टम में ओबीसी को आपने क्लॉज लगा दिया, ओबीसी में आपने कहा कि ये क्रीमी लेयर वाले हैं। जब लड़ने में काबिल हुआ ओबीसी, लड़ने में सक्षम हुआ, क्या अब ओबीसी लड़ सकता है, अब ये थोड़ा साधन संपन्न हो गया है, तो ये अपने दलित भाइयों को भी गले लगा करके कहेगा कि हम साथ में लड़ेंगे। तो उन्होंने कहा ओबीसी में क्रीमी लेयर लगा दो, जो सक्षम होंगे वो कहेंगे हमारे बच्चों को मिलना ही नहीं है, तो हम क्यों इस लड़ाई को आगे लड़ें। तो जब आप आर्थिक आधार पर कर रहे हैं आरक्षण, ओबीसी को करने के लिए 2 साल लटकाया, जब ईडब्ल्यूएस की बात आती है तो आनन फानन में 24-36 घंटे में सब कुछ हो जाता है, राष्ट्रपति के यहां से मोहर भी लग जाती है। हैरत ये देखिए कि कोर्ट में केस चलते रहते हैं लेकिन एक भी दिन स्टे नहीं दिया जाता ईडब्ल्यूएस पे, और सिस्टम में बैठे हुए लोग 5-5, 10-10 साल पहले के जो वैकेंसी है उनमें कहते हैं कि पीछे से लाओ और ईडब्ल्यूएस को फायदा दो। आपको हर चीज में मांगना है, आज भी आप मांगने की स्थिति में हैं, लेकिन उनको बिना मांगे, बिना धरना प्रदर्शन किए सब कुछ मिल जाना है, क्योंकि ये जाति का सिस्टम उसी हिसाब से डिजाइन किया गया है।
संविधान की अगर हम बात करते हैं, छोटी मोटी समझ है, वकील साहब लोग खड़े हुए हैं, उसमें कहीं भी आर्थिक शब्द नहीं था, उसमें था सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े। तो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ों को दीजिए, जब आर्थिक उसमें आधार नहीं था। तो अब ये नई आप इस बात को समझिए कि जब ओबीसी कहता है, एससी कहता है कि भाई जातिवार जनगणना कराओ, जितनी हमारी संख्या है उतना रिजर्वेशन दो, तो क्यों नहीं करा रहे हो आप? हम मना कर रहे हैं क्या? कोई यहां ओबीसी का व्यक्ति मना कर रहा है क्या कि जातिवार की जनगणना ना कराओ? कोई बहुजन समाज का व्यक्ति कहता है जातिवार जनगणना मत कराइए? आप कराइए ना। जातिवार जनगणना कराने के बाद आपने 10% दिया ओबीसी, ये तो क्लियर है 1931 की जनगणना के हिसाब से कि 50% से ऊपर है, फिर 27% क्यों? जब ओबीसी अपना हक मांगने जाता है तो आप कहते हैं कि 50% का क्लॉज टूट रहा है और जिस वर्ग को देना होता है वो मांगता भी नहीं है, फिर भी आप 60% दे देते हैं, उसमें कोई क्लॉज नहीं टूट रहा है। स्पष्ट तौर पर दिख रहा है। एक बात और आपसे कह देता हूं, आपने सवाल पूछा तो, ये 10% क्यों लाया गया? आरक्षण अधिनियम उत्तर प्रदेश में जो लागू है उसमें बड़ी खूबसूरती से उन्होंने एक चालाकी की। पहली चीज तो ये समझ लीजिए कि हम लोग बार बार जो कहते हैं कि आरक्षण कोई गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है, आरक्षण हिस्सेदारी के लिए लाया गया था, भागीदारी और गैर बराबरी दूर करने के लिए लाया गया था। यानी कि एक बात आप खुद समझिए कि भारत में गरीब अमीर के हिसाब से भेदभाव है या फिर जातियों के हिसाब से भेदभाव है? जातिवार जनगणना कराइए, जितने उनमें से पिछड़े हैं उतना परसेंट दे दीजिए, 10% के आधार पे दिया। इसी में ब्राह्मण भी है, ठाकुर भी है, बिल्कुल है, जो भट्ट हैं और नेगी हैं ये ओबीसी के लोग हैं और एसटी तक में हैं, ऐसा नहीं है मुस्लिम। अच्छा हाँ, एक अंतिम बात बोल देता हूँ, नहीं मुद्दा भटक जाएगा, एक महत्वपूर्ण बात बोल देता हूँ, मैं भूल जाऊँगा। जब हम EWS कोटे को सुदामा कोटा कह देते हैं, ये गौर से समझिएगा इस बात को, मैंने अभी रास्ते में सोचा एक बात चर्चा करते हुए, जब हम उसको सुदामा कोटा कह देते हैं तो चुभता तो है, मैसेज तो पहुंचता है जहां पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन उससे एक नुकसान भी हो रहा है। वो मुस्लिम भाई, वो जैन भाई, वो सिख भाई जो उसमें शामिल हैं, वो अपना सर्टिफिकेट ही बनवाने नहीं जा रहे हैं, उनको पता है कि ये सुदामा कोटा है। उससे नुकसान हुआ, फायदा भी है, आप चोट तो कर रहे हैं, लेकिन जिन मुस्लिमों को सर्टिफिकेट बनना चाहिए, जनेऊ कोटा का, तो चुभने के लिए तो कहना है, लेकिन सब लोगों से मेरा अनुरोध है कि ये भी जागरूक करना है कि जो जनरल मुस्लिम हैं वो उसके तहत सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। लेकिन अभी उत्तर प्रदेश में ही मैं कर रहा हूँ, RTI डाल के देखूंगा आप लोगों को, किसी और मीटिंग में ये बताऊंगा, उसका जवाब दूंगा कि उत्तर प्रदेश में मुस्लिमों के उस सवर्ण कोटे के तहत सर्टिफिकेट ही नहीं बन रहे हैं, यही असली खेल है। इसीलिए वो जनेऊ कोटा और इसीलिए वो सवर्ण कोटा और सुदामा कोटा कहा जा रहा है। आप लोगों ने धैर्य से सुना मुझ जैसे सामान्य आदमी को, शुक्रिया। सवाल जवाब हम लोग फिर कभी कर लेंगे। जय विज्ञान, जय संविधान। धन्यवाद।